नमस्ते, मैं अर्चना आरते अल्ट्रा कुकरी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर हम मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मोदक खरीद के लाते हैं, तो सोचा आज यही मोदक मैं आपको घर पे कैसे बनाया जाता है वो सिखा देती हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मावा लिया है, वो लेते हैं। इसको थोड़ा सा भूनना है पहले। थोड़ा सा मावा भूनने के बाद हम उसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम डालेंगे 150 ग्राम, जितना मावा है उससे आधा हम चीनी लेंगे। अब इस पे जाएगी चीनी। चीनी पिघलने तक इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है। शक्कर अच्छी तरह से पिघल चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं आधा टीस्पून इलायची पाउडर और इसे हिलाते ही रहना है। अब थोड़ा सा मावा हाथ में लेके देखना है कि उसका राउंड बॉल गोला हो रहा है कि नहीं। अच्छी तरह से ये गोला हो रहा है, मतलब ये ड्राई हो रहा है हाथ के ऊपर, तभी हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब ये थोड़ा साइड से छूट रहा है तो हम इंडक्शन को बंद कर देते हैं और पूरा ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है, उसके बाद ही उसके मोदक बनाने हैं। तो तब तक के लिए राह देखनी है, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। ठंडा होने के बाद ये ऐसा कड़क हो जाता है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मार्केट में मोदक के मोल्ड मिलते हैं, वो लेना है और इसमें ये अच्छी तरह से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं उसके। इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। हमारे मोदक तैयार है, अपने मावा मोदक तैयार है। अगर आपको इसमें वेरिएशन चाहिए तो केसर डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, उसके स्ट्रॉबेरी मतलब स्ट्रॉबेरी का क्रश और कोको पाउडर और पिस्ता पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मोदक के वेरिएशंस भी बना सकते हैं। तो आप ये मोदक बनाइए, गणपति बप्पा को खुश कीजिए और कमेंट्स में हमें कहिए कि आपके मोदक कैसे बने हैं। और अल्ट्रा कुकरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सारे अल्ट्रा कुकरी के व्यूअर्स के लिए इस गणेश चतुर्थी के लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।